हम लोग स्टेरिंग छोड़ आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो हक है वे अमित शाह जी हम लोग का दे, हम लोग पर अपराध का केस मत लगाए। और मैं कल से खड़ा हूँ इधर, तीन दिन तक और खड़े रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक लोग हम चक्का नहीं हिलाएंगे। और हर जगह से जाम है। ये लागू किया है कानून, ये हमारे फायदे में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है, 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? सर कुछ नहीं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हम सब ड्राइवर भाइयों का एकदम से ये कानून लगाया गया है इसको वापस लें प्यार से। हम लोग कोई हिंसा नहीं करने वाले, सिर्फ स्टेयरिंग छोड़ देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके बगल में बैठने वाला स्टेयरिंग वाला ही है, आपको ले जाने वाला स्टेयरिंग वाला ही है, दूसरा और कोई नहीं है। हम उसमें हमारी जान जाती है, रोड में पब्लिक मारती है, हमें जूते लात मारती है, पुलिस मारती है, हर कोई हमें मारता है, कोई बचाने वाला हमें नहीं है, कोई नहीं है। पब्लिक अभी यहाँ जाऊँगा वो भी गाली दे के जाएगा, सब गाली दे के जाते हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम किसके सहारे बचाएं बताएं आप? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कोई सहायता तो है ही नहीं है, हम करेंगे, हमको मारेंगे, सच्चे भैया हमें स्टेयरिंग ही छोड़ देंगे। नहीं, मांग जरूर है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा तो फिर वो किस काम का है? 27 साल का ड्राइवर है नए वालों में, वो 37 साल में वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे, उसे क्या करेगा जिंदगी में वो? आप बताओ कुछ कर सकता है? 7 लाख रुपए उसने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए पाए होंगे, तो अब कहाँ से लेके आएगा वो 7 लाख रुपए? इसमें क्या करेगा वो? सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, जो ये हमारे ऊपर गलत हो रहा है उसको हमें न्याय दे दे बस। हमें सरकार से किसी से कोई परेशानी नहीं है, ना हमें किसी से आज तक हुई है। ड्राइवर हमेशा ही हर जगह टारगेट किया जाता है, क्यों? जो भी आता है, एक बाइक वाला, कार वाला, जो भी आता है उसको बजा के चला जाता है। ड्राइवर बन गया ढोल, जो आया 4 बजाए चले गए, ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो सही रहा था ड्राइवर, उसके बाद में ये और लागू कर दिया, अब ड्राइवर क्या करे? इस स्थिति में हम आदरणीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं, हम सास जी से, कि अब ड्राइवर इस समय पर क्या करेगा, कहाँ से लाएगा 7 लाख रुपए? कोई ड्राइवर अपने जाने चींटी को नहीं मार सकता है तो एक्सीडेंट कहां से करेगा? 40 टन लोड लेके चल रही है गाड़ी, अचानक कोई भी आगे आ गया अगले बम्पर के पास में, क्या वो ब्रेक ले पाएगी गाड़ी?